नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के कानपुर में निषाद समुदाय के लोगों के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां बैठक आयोजकों ने बताया कि आने वाले 5 अप्रैल को महाराज निषाद राज एवं महर्षि कश्यप जयंती समारोह के रूप में कानपुर के गंगा बैराज निषाद पार्क में मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में आज एक बैठक का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि आने वाले 5 तारीख को हमारे समुदाय के जितने भी संभ्रांत व्यक्ति होंगे वो लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे और निषाद समुदाय के लोगों के जो बच्चे पढ़ लिख कर स्कूल में अच्छे मार्क्स लाने का काम करते हैं उनको सम्मानित भी करने का काम एकलव्य जनकल्याण सभा कानपुर करेगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए अधिवक्ता ब्रिज नारायण निषाद ने बताया कि आगामी 5 अप्रैल को हमारे समाज के अमरपाल सिंह लोधी डिप्टी डायरेक्टर दिल्ली जो मुख्य अतिथि के रूप में पधारेंगे और समाज को नए दिशा निर्देश देने का काम करेंगे। कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। मैं ब्रिज नारायण निषाद एडवोकेट। आज ये हमारी मीटिंग हो रही थी, हमारे समाज का कार्यक्रम गंगा बैराज निषाद पार्क में 5 अप्रैल को होता है, उसकी तैयारी के संबंध में आज मीटिंग हो रही थी, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि अमरपाल सिंह लोधी डिप्टी डायरेक्टर नई दिल्ली वो हमारे समाज को एक दिशा देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें हमारे पढ़ने वाले बच्चे उनका हम लोग विधिवत सम्मान करेंगे। विशिष्ट जनों का जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं समाज के, उनको सम्मानित करने के लिए हमने उनको बुलाया हुआ है। वो एक बहुत बड़ी लक्ष्य के नाम की संस्था चलाते हैं जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत पूरे देश में जोर शोर से प्रयास करते हैं, इसलिए उनको हमने मुख्य अतिथि चुना है। वो आके हमारे यहाँ कानपुर में बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाने के लिए जो भी हमें सुझाव देंगे उसका हम लोग अमल करेंगे। क्या परिचय भैया? मेरा नाम इंजीनियर आकाश वर्मा निषाद है और ये कार्यक्रम 2015 से बराबर चल रहा है और इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो तीन लोग त्रिमूर्ति जिनको कहा जाता है, एक स्वर्गीय रमेश वर्मा निषाद जी जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, सुखलाल निषाद जी जो अध्यक्ष हैं और रामनारायण निषाद जी जो कोषाध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य ये रहा है हमेशा से कि समाज संगठित हो, शिक्षित हो और अपने अपने क्षेत्र में आगे बढ़े और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग अपने वरिष्ठ जन और जो किसी क्षेत्र में जिसने कोई अच्छा काम किया है ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करते हैं प्रत्येक वर्ष और जो हमारे हाई स्कूल इंटर के छात्र छात्राएँ होती हैं जो 70% से ऊपर नंबर प्राप्त करते हैं उनको भी हम लोग सम्मानित करने का काम करते हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमरपाल लोधी जी हैं, जॉइंट कमिश्नर भारत सरकार। आज परिचय बता दीजिए अपना, कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए। सुखलाल निषाद, एकलव्य जनकल्याण महासभा के अध्यक्ष। आज की मीटिंग रखी गई थी, इसका क्या उद्देश्य है? 5 अप्रैल को हम लोग जो है 2014 से महाराजा निषाद राज एवं महर्षि कश्यप ऋषि की जयंती मनाते चले आ रहे हैं, उसी की तैयारी बैठक थी। उसमें हमारी कमेटी के सभी लोगों ने मिल करके रूपरेखा उसकी तैयार की है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आ रहा है? माननीय अमरपाल सिंह जी, जॉइंट कमिश्नर नई दिल्ली। कितने वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है? 11वां वर्ष है। हमारे लोधी कश्यप निषाद ये जो समुदाय है, ये समुदाय में जितने लोग आते हैं इन्हीं सबका सहयोग रहता है।